तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के डेरिवेशंस। ओके, और लास्ट टॉपिक है जो एनर्जी है ना, एनर्जी कैपेसिटर्स के बीच में जो एनर्जी क्रिएट होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अभी क्या है कि लास्ट लेक्चर में ना सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है ये हमने देखा था। लेकिन इस लेक्चर में ना हम लोग बहुत सारे चार्जेस देखेंगे। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टिल N, जो भी N अपना रहेगा। ठीक है, उतने चार्जेस का एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि Q1 का पोटेंशियल P पे कितना है, Q2 का P पे कितना है, Q3, Q4 अप टिल N, उन सबका जो पोटेंशियल रहेगा ना इंडिविजुअल, वो हम लोग ऐड करेंगे और टोटल पोटेंशियल कितना आता है पी पे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब ये कि अभी देखो, अभी चार्ज प्रेजेंट है ना, तो मैंने बोला था कि अगर चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, और ऑब्वियसली अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रहेगा। ठीक है, तो हर एक चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है, जैसे कि Q1 का V1 हो सकता है, Q2 का V2 हो सकता है, Q3 का V3, Q4 का V4 और Q5 समझो रहेगा तो उसका V5 रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करने, हम लोग को इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करके फाइनल जो ग्रुप करके जो आएगा ना टोटल, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कहाँ करना है, वो तो पी पॉइंट है ना, यहाँ पे करना है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे ग्रुप ऑफ चार्जेस का कितना पोटेंशियल होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वीपी, ये वी सबस्क्रिप्ट पी है ना, वो डिनोट करता है कि ग्रुप मतलब टोटल पोटेंशियल कितना है पॉइंट पी पे। तो इट इज ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट वन प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट टू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट थ्री प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट फोर एज मच एज टिल एन। ठीक है, अगर एन फोर रहेगा तो फोर। चार चार्जेस की वजह से जो चार पोटेंशियल क्रिएट होंगे वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अभी पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या था, दिस इज 1/4πε। फर्स्ट लेक्चर में एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कॉन्स्टेंट था, राइट। तो दिस 1/4πε0 इट इज टर्म टू बी एज कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस ये तो फॉर्मूला में था ही, मतलब चार्ज अपॉन डिस्टेंस था, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो चार्ज और डिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और ये समेशन क्या है, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, जिसके नीचे आई इक्वल टू वन और ऊपर एन लिखा है, ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है, तो आई इक्वल टू वन मतलब एक तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी जिससे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप उसके लिए आप एक ही चार्ज लोगे। ठीक है, आप एक ही चार्ज लोगे, तो हाँ, ये जो समेशन का साइन है ना, समेशन का मतलब क्या है कि सम मतलब टोटल, टोटल ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, अभी आई इक्वल टू वन टू एन, एन कितना रहेगा, अगर फोर रहेगा तो चार चार्जेस का पोटेंशियल हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये समेशन जो साइन है ना, दैट डिनोट्स एडिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, एडिंग ऑफ पोटेंशियल्स। ठीक है, अभी ये फोर पॉइंट्स क्या कह रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ठीक है, मतलब अभी समझो Q1 ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया पॉइंट पी पे, ठीक है, Q2 ने क्रिएट किया, Q3 ने क्रिएट किया, तो Q1 और Q2 डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब Q2 जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो Q1 को अफेक्ट नहीं करेगा, भले ही Q1 Q2 कितने भी नजदीक हो, ठीक है, Q2 का पोटेंशियल Q1 को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली Q3 Q4 Qn उनके पोटेंशियल अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल जो है, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जो न्यूमरेटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिनोमिनेटर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है,
वेर एज कूलम्स फोर्स, अभी फोर्स में कैसा होता है, इनवर्स लॉ रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल इज स्केलर एंड फोर्स इज वेक्टर। अभी जो स्केलर होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू ही होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी जैसे टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, टाइम का सिर्फ वैल्यू होता है, वैसे ही फोर्स, फोर्स का भी ना, लेकिन फोर्स वेक्टर है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू भी होता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। वी इज ऑल द वी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इट इज एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स आर एंड इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा ना, ठीक है, अभी समझो चार्ज आर डिस्टेंस पे और एक दूसरा चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उन दोनों डिस्टेंसेस पे पोटेंशियल कितना डिफर करेगा, ठीक है, ये वो पोटेंशियल दिखाता है, ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। कैपेसिटेंस तो हुआ था, ओके, अब हम चालू करने वाले कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन में एक स्लैब रहेगा, ठीक है, ये देखो ये स्लैब रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, माइका हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ एयर ही कंसिडर करेंगे दो प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पे देखो कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं ना वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों प्लेट्स ना एक डिस्टेंस से सेपरेट किए गए, ठीक है, मतलब बहुत क्लोज भी नहीं है, एक डिस्टेंस पे रखे वो, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहता है ना वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है। आप अगर मैग्नेट में भी देखोगे ना तो मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट के बाहर फिर से वैसे, ठीक है, जैसे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा था कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है, ये सी सबस्क्रिप्ट वैक क्या है, तो वी ए सी जो डिनोट कर रहा है ना दैट इज वैक्यूम, ओके, वैक्यूम मीडियम में कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, कैपेसिटेंस, ओके, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही बेसिक है कि चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब ये चार्ज कहाँ से आया, तो चार्ज सिंपल है ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो वहां से चार्ज आया, और वी वी पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये डेरिवेशन है ना, ओके, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग को डिराइव करना है, तो फर्स्ट स्टेप अपना ये कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन है वो, ठीक है, फॉर्मूला है वो, फिर सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, वो फॉर्मूला से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में क्रिएट किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो उसका वैल्यू बताता है, ठीक है। अभी ये तीन फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, सिग्मा ई और सी कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फर्स्ट लेक्चर, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में एरिया और न्यूमरेटर में चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओके, अभी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, एक्चुअली कैसा होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट शीट का आपको मालूम है, इनफाइनाइट प्लेट शीट में भी ऐसा ही था कुछ, तो फॉर्मूला ऐसा ही था, बस डिनोमिनेटर में टू था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर्स है ना, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर्स है, वहां पे इनफाइनाइट प्लेट शीट में देखो मैं दिखाता हूँ, इनफाइनाइट प्लेट शीट में एक ही कंडक्टर था, ठीक है, ये देखो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, इसमें एक ही कंडक्टर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन आता है, ठीक है, लेकिन वहां पे
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अलग अलग है क्योंकि कंडक्टर अलग अलग है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, ओके, कंडक्टर, ओके। तो ये एक अलग कंडक्टर है और ये एक अलग कंडक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी ये सिग्मा का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया, वो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया पुट करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला आएगा, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस फर्स्ट इक्वेशन व्हिच वी हैव गॉट बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोटेंशियल वी पर यूनिट डी, वोल्ट पर मीटर जो फॉर्मूला है, ओके। वोल्ट पर मीटर यूनिट भी है, वोल्ट पर मीटर अगर आप याद रखोगे तो मीटर की जगह डिस्टेंस पुट कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। दो पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो उन दो प्लेट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ना। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी है, तो क्यू अपॉन वी आना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। क्यू अपॉन वी एक साइड लो और ये एरिया इंटू एप्सिलॉन जो है ना, एरिया इंटू एप्सिलॉन वो एक साइड लो, ठीक है। मतलब ये वी जो आएगा वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और ये ए एप्सिलॉन न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो क्यू अपॉन वी क्या है, कैपेसिटेंस। दस बी डेराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक, वेरी इजी डेरिवेशन, फोर स्टेप्स में ही आता है। देखो उसके लिए फॉर्मूला कौन से चाहिए, तो सिंपल कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है वैसे ही वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर डिस्टेंस, ठीक है। वो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू, क्योंकि पैरल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरल प्लेट में कैसा होता है, सरफेस एरिया होता है, ठीक है, पैरल प्लेट में सरफेस एरिया होता है, इसलिए हम लोग सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर करते हैं जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ओके। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इक्वेशन में आता है, ठीक है। फिर ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे एंड बाय कंपेयरिंग वी विल गेट इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। कैपेसिटेंस का ये पहला डेरिवेशन है, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन है जिसमें डायलेक्ट्रिक है, मतलब एक स्लैब रहेगा और उस स्लैब की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच में ई नॉट। ई नॉट मतलब क्या, ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। वेरस ईपी क्या है, कि ईपी है जो ईपी मतलब पोलराइजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोलराइजेबल क्यों, क्योंकि दो चार्ज प्लेट के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, ठीक है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है ना पर्पल कलर का, वो एक स्लैब है, वो स्लैब है ना दो प्लेट्स के बीच में रखा है, तो वो पोलराइज हो गया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट पोलराइज हो गया, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा अलग से, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलग से क्रिएट होगा वो ईपी है, ठीक है, और ये ईपी स्लैब की थिकनेस जितना रहेगा, ठीक है, स्लैब का थिकनेस जितना है उतना ईपी रहेगा, ठीक है। अब ये ई एन क्या है, तो ई एन मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई एन मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस पोलराइजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों माइनस क्यों किया, वो इम्पोर्टेंट है। देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए देखो ये एरो कैसे जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली प्लेट जा रहा है, ठीक है। वेयरएज ईपी का डायरेक्शन देखो, ईपी का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, स्लैब के अंदर ईपी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस होगा। मतलब माइनस कैसे होगा, तो बड़े में से छोटा, तो बड़ा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ओके, माइनस ईपी, ठीक है। ई नॉट माइनस ईपी करेंगे तो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। वेरायज जो टी है वो थिकनेस है, ठीक है, स्लैब कितना थिक है, ठीक है। डी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। मैंने आपको सिंबल समझा दिया, अभी मैं डेरिवेशन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस ई एन इंटू टी। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है,
ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ठीक है, वही से है, वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, डी जो है डिस्टेंस है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी वही किया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस किया है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कैसे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कितना, तो डी माइनस टी आएगा, ठीक है, डी माइनस टी आएगा। अभी ई एन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कैसे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखो, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका डायरेक्शन लगेगा, ठीक है, ई नॉट, ई नॉट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ई एन जो है ना, ई एन का डायरेक्शन भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बड़े का लेते हैं, ठीक है, तो डी माइनस टी ओके प्लस ई एन इंटू टी, बी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस की जगह थिकनेस लिया है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस थिकनेस तक ही एप्लीकेबल है ना, ठीक है, अगर ये डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप पास कर रहे हो, ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप देख रहे हो, एक मिनट ना, डिस्टर्बेंस होते हैं गाइस बहुत, लेकिन ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, ठीक है, अभी ये के क्या है, ये के जो है ना वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई एन, ई एन क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट क्या है, ई नॉट तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और ई एन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, ई एन जो डिनोमिनेटर में है ना वो इक्वल साइन के वो साइड शिफ्ट किया और के को डिनोमिनेटर में पुश किया, तो हम लोग ने ई एन का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया, ठीक है, अभी वी का जो फॉर्मूला है ना, वी ये फर्स्ट इक्वेशन में, वहां पे हम लोग ना ई एन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ई एन का फॉर्मूला क्या है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट अपॉन के, तो ई एन की जगह ई नॉट अपॉन के पुट करेंगे, देखो ई नॉट अपॉन के इंटू टी, बाकी का सेम है, ठीक है, अभी क्या है ना, ई नॉट और ई नॉट हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस ये जो टी है टी अपॉन के आएगा, ई नॉट कॉमन लिया ना, तो कॉमन लिया मतलब पूरे ब्रैकेट से ही बाहर लिया, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, बट ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ओके, अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये फॉर्मूला किसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लास्ट स्लाइड में देखा हम लोग ने ना, ये देखो ये जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, यहाँ पे भी दो चार्ज प्लेट्स अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है ना, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा का फॉर्मूला पुट करो ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, फिर कैपेसिटेंस, अभी कैपेसिटेंस डिराइव कर रहे तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला लगेगा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ओके ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला की मदद से हम लोग को कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए जो है वो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द स्लैब, ठीक है, डी सॉरी एरिया ऑफ द स्लैब नहीं, एरिया बिटवीन द प्लेट्स, ओके एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, टी जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, के जो है वो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, कोई भी क्वांटिटी का मतलब हाँ फ्री स्पेस में कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्री स्पेस पे कितना वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्री स्पेस पे कितना वैल्यू है, फोर्स का फ्री स्पेस पे कितना वैल्यू है, अपॉन वो मीडियम में कितना फोर्स है, ठीक है, जैसे कि एफ नॉट अपॉन एफ एन, मतलब मीडियम मतलब जो वैक्यूम में फोर्स रहेगा डिनोमिनेटर में अपॉन मीडियम में कितना फोर्स रहेगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोग को के का वैल्यू मिलेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो के मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग को ई एन, ओके ई एन से, ई एन का हम लोग फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, जो कि ई नॉट अपॉन के, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ई नॉट कॉमन कॉमन निकालना है, ठीक है। तो ई नॉट कॉमन निकालने के बाद हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, फिर हम लोग को ये दो इक्वेशन से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस के इक्वेशन से हम लोग को ये फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है कि सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, अगर मैंने ये स्लैब हटा दिया ना, तो कोई स्लैब ही नहीं है ना, मतलब एयर है, वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस कम होगा। कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा, जब स्लैब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, तब के का वैल्यू इंक्रीज होगा, तब कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे हम लोग ने दो डेरिवेशन कंप्लीट किया गाइस, डायलेक्ट्रिक स्लैब का और एक विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब का, ठीक है। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है शायद से, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फिर अपना चैप्टर खत्म, नहीं सॉरी, पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, ये भी एक बचा है, लेकिन वो डेफिनेशन ही है, वो क्या डेफिनेशन ही है, फिर क्या, फिर चैप्टर देखो होने को आया, हो गया। तो दो ही कंसेप्ट बचे, तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर फटाक से कर लेते हैं गाइस, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर स्टार्ट आउट विद अनचार्ज कैपेसिटर, ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर अंटिल चार्ज ऑन ईच प्लेट हैज मैग्नीट्यूड क्यू। मतलब क्या किया है कि चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक है, ये एक प्लेट है ना, सॉरी ये जो आपको राइट हैंड साइड का प्लेट दिख रहा है ना, वहां से लेफ्ट हैंड साइड के प्लेट के ऊपर चार्ज ट्रांसफर किया। देखो एरो देखो कहाँ से, राइट टू लेफ्ट से है ना, तो डी क्यू जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अभी ये वर्क कितना लगेगा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो वर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड लेक्चर जो है ना, थर्ड लेक्चर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में यू का फॉर्मूला भी देखा है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, राइट, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है। तो अभी डी क्यू क्या है, ये देखो डेरिवेशन में हम लोग जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं वो डी क्यू है, राइट, स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करेंगे, ऑफ कोर्स डी क्यू को ही करेंगे ना, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है। लेकिन वी का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय सी, एक्चुअली वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। देखो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वहां से हम लोग ने वी का फॉर्मूला निकाल लिया, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। देखो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन सी पुट किया, ओके, इंटू डी क्यू। अभी कैपेसिटेंस जो है ना, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो ना दो प्लेट्स के बीच में एयर ही है ना, तो के इज इक्वल टू वन, तो फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होगा, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया ना, लेकिन यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं, इसलिए सी कॉन्स्टेंट है, तो सी कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर हम लोग उसको पुट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट किसको करेंगे, तो क्यू इंटू डी क्यू, ओके, क्यू इंटू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। अगर सिर्फ डी क्यू होता ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी विल गिव यू अ लार्ज क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है एनी क्वांटिटी, ओके, विद इट्स इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी, उसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में एन प्लस वन करते हैं, ठीक है, ठीके? तो क्यू रेज टू एन प्लस वन, मतलब क्यू का पावर, कोई भी वेरिएबल का पावर वन रहता है, तो क्यू का पावर वन रहेगा, तो वन प्लस वन करने का, तो क्यू रेज टू एन प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में भी एन प्लस वन, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी टू आएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी आएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड कब होती है, व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ये राइट हैंड साइड प्लेट से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड प्लेट की तरफ चार्ज अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनर्जी क्रिएट होगी, वर्क क्रिएट होगा ना। देखो कोई भी चीज को मूव करने के लिए वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये डी क्यू, ये स्मॉल चार्ज को अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करना है, तो वर्क लगेगा, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। अगर हम लोग क्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो सी वी हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पुट करके, चार्ज का फॉर्मूला पुट करके। अभी तो ये दो ही फॉर्मूले है, ठीक है, ये तीसरा देखो, ये थर्ड फॉर्मूला देखो, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वो एनर्जी, एनर्जी एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल मिस अंडरस्टैंड हो गया, लेकिन ये एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ
चार्ज इंटू पोटेंशियल, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ये तीन फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कैपेसिटेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो सेकेंड फॉर्मूला आएगा। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो थर्ड फॉर्मूला, अगर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस के दो डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। चार कंसेप्ट हो गया, अभी लास्ट कंसेप्ट बचा है, ठीक है, पोलर डायलेक्ट, पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। बहुत ईजी है। तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी नाम में ही पोलर है ना, पोलर मतलब चार्ज, ठीक है, मतलब उसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी कब होती है? जब एक तरह का पॉजिटिव, एक तरह का अपोजिट पोलैरिटी के जब चार्ज आते हैं ना, तब पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं। जैसे कि HCl, केमिस्ट्री घुसा रहा हूँ लेकिन ठीक है, फिजिक्स समझना चाहिए, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स समझना चाहिए। मैं अगर केमिस्ट्री घुसा रहा हूँ लेकिन फिजिक्स समझना चाहिए। HCl क्या है? H+Cl-, ठीक है। तो HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर बेंजीन लोगे, C6H6, ठीक है, तो वो नॉन पोलर है ना, क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना। देखो HCl में कैसा है, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, लेकिन C6H6 में कार्बन, कार्बन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज नहीं है, तो वो नॉन पोलर। वैसे ही ये जो पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक का जो कंसेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग पढ़ रहे, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक घुसाया, बाकी प्लीज मत कमेंट करो उसके ऊपर, ठीक है। तो पोलर डायलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये बॉक्स और ये बॉक्स में फर्क क्या है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। यहाँ पे ना मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ओके। और यहाँ पे देखो ना कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से मीट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से मीट कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से मीट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से मीट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको दिख रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, ओके, ये कोइंसाइड नहीं करता। इसलिए ना क्या हो रहा है कि शेप जो है वो ओवल बन गया है, ठीक है। पॉजिटिव एक एक्सट्रीम पे जा रहा है, नेगेटिव एक एक्सट्रीम पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन पोलर देखोगे ना, तो ये देखो सर्कल बन रहा है। सर्कल मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने क्लोज आ रहे हैं। क्यों? इन केस ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, सेंटर ऑफ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों नजदीक आएंगे, इसलिए शेप भी चेंज होगा। देखो शेप देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे शेप देखो कैसा है, ठीक है, सर्कल से शेप ऐसा बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो कोइंसाइड ही नहीं कर रहे, तो शेप देखो ओवल का ओवल ही रह गया, ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थियरी तो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन मैं एक और लेक्चर लूंगा जहाँ पे चैप्टर का पूरा फॉर्मूलाज रहेगा और साथ ही साथ कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करो गाइस, वीडियो देखते रहो, थैंक यू गाइस। तो चैनल का लाइन तो बोलना पड़ेगा गाइस, डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय गाइस।